ये सामने है किन्नर कैलाश। कैमरे में शायद ना दिखाई दे रहा, सामने किन्नर कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। और इधर हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करके ब्रह्मा विष्णु नारायण के टेंपल में। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। ये है जी 500 साल पुरानी मम्मी। बताते हैं इनके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। ये दोस्तों छोटी सी ट्रैकिंग है कल्पा में। ऊपर जो टेंपल है ब्रह्मा विष्णु नारायण टेंपल, उसकी ट्रैकिंग है। मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले हैं। देखिए स्टेप्स बना रखे हैं पत्थर के। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट हैवी हो गया ना? ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, सही है। मुझे तो हो रही है भाई, परफेक्ट है। दूध ज़्यादा पी लिया? दूध ज़्यादा पिया थोड़ा, कोई नहीं। अच्छा, कितनी ट्रैकिंग है? ट्रैकिंग ऑलमोस्ट 3 आवर्स की है। ऊपर है ब्रह्मा विष्णु नारायण टेम्पल कल्पा, उसके बाद माँ दुर्गे का टेम्पल भी है, एक किला है, सुसाइड पॉइंट है उसके बाद। अच्छा, आज ये सब कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये यहाँ के पुराने घर हैं, इस तरीके से लकड़ी से बनते थे, लकड़ी और पत्थर से। पर अब हिमाचल की प्रॉब्लम ये हो गई कि सब छोड़ छोड़ के काम धंधे की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, तो ये सब खंडर हो गए। मंदिर पहुंच गए हैं, 2-3 मंदिर हैं इधर रास्ते में। पहला मंदिर पड़ा है, कपाट बंद है इसके, रीज़न आई डोंट नो। ये कुछ पुराने घर हैं, ये मंदिर परिसर है, सारा बंद है अभी फ़िलहाल। ये देखिए इधर से एक बहुत प्यारा व्यू आ रहा वैली का। हाँ जी, कैसा व्यू है? परफेक्ट व्यू। पहाड़ों में इस तरफ हुई है, फ्रेश स्नोफॉल हुई है कल रात की है। अच्छा, बाकी जो पुराने हो तो इधर दिख रहा, देखो ना लेयर है बने हुए इतने मोटे मोटे। डेढ़ दिन लगता पहुंचने में? नहीं, जिसके एक शाम को रुक जाएंगे ना अगले सुबह होता है, डेढ़ दिन का टोटल ट्रैक है। अच्छा, तो एक शाम को कहीं रुकना ही पड़ेगा आपको बीच में। हाँ, क्योंकि ऐसा ना, अगर वहाँ पे सुबह नहीं जाएंगे, दिन में बहुत हवाएं चलती है, ऊपर वहाँ टिकना मुश्किल है। अच्छा, सुबह सुबह ही करना पड़ता है। एक मंदिर ही है यहाँ पास में ही, 2-3 छोटे छोटे मंदिर हैं। एक अभी दर्शन हुए नहीं हमारे, कपाट बंद थे। अब इसे देखते हैं ये खुला है कि नहीं खुला है। बहुत ही पुराने बने हुए मंदिर है, सारे लकड़ी के बने हुए मंदिर हैं। और रास्ता भी कुछ ऐसा ही है, देखिए। और जो आसपास घर है ना, वो भी देखिए किस टाइप के हैं, पुराने बिल्कुल लकड़ी के। कुछ नए भी बन रहे हैं अब, बाकी ये जो पुराने वाले घर थे सारे खाली पड़े हैं, सब पलायन हो गए यहाँ से। और ये है मंदिर। किस खुला है रविंदर? खुला मंदिर? ये वाला खुला है जी। देखिए नई कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हो रही है इधर, और पुराने बंद पड़े हैं सारे। ये मंदिर है एक। चलो चलो अंदर चलो। बंद है ये भी? बंद है? हाँ, जूते उतार कर आ जा रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं उतारने जूते, सारे मंदिर बंद पड़े हैं, रीज़न पता नहीं क्यों। पीछे बौद्ध मंदिर है, ये यहाँ का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल कल्पा का। ये मिडिल स्कूल है, उधर पीछे प्राइमरी स्कूल था। एक मंदिर है जी आदि शक्ति चंडी का किला, बंद तो अभी सारे ही पड़े हैं। जिस भी मंदिर में गए सबके कपाट बंद है, बट आगे बहुत पुराना बना हुआ है। और इधर है बौद्ध मंदिर। ये भाई मिले हैं मुंबई से, बाइक से आए हुए हैं ये। हेलो, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपका? गौरंग। गौरंग, ये बड़े लंबे लंबे टूर मारते हैं, और इनका भी
यूट्यूब चैनल आने वाला है बहुत जल्द। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, मिलेंगे आगे किसी सफर में दोबारा इनसे। दुनिया बहुत छोटी है, हम भी टूरिस्ट, ये भी टूरिस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुसाइड पॉइंट पहुंच गए हैं कल्पा में। और ये सुसाइड पॉइंट का जो नामकरण किया किसी यूट्यूबर भाई ने किया था, उससे पहले यहाँ कोई सुसाइड नहीं हुआ था। एक क्लिफ है, बहुत गहरी खाई है, तो उसको सुसाइड पॉइंट नाम रख दिया। होती है, हाँ, नॉर्मल क्लिप है वो, नॉर्मल नहीं है ये, एकदम स्ट्रेट है। हाँ। स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, नॉर्मल नहीं है। अभी वहाँ से दिखेगा, इस साइड से दिख नहीं रहा, अभी उस साइड जाके आपको दिखाते हैं। एकदम स्ट्रेट क्लिफ है, इस वजह से इसका नाम रखा था। पहले डेंजर पॉइंट रखा, फिर सुसाइड पॉइंट कर दिया। सुसाइड पॉइंट रखते ही यहाँ मरने शुरू हो गए। हाँ, जो लोकल से हमें जानकारी मिली, पहले कोई सुसाइड नहीं होता था, पर जब से इसका नामकरण हुआ सुसाइड पॉइंट, उसके बाद कई सुसाइड हो गए, हर साल मरते हैं। तो आप यहाँ आइए, सिर्फ व्यू का एंजॉय कीजिए और कुछ सोच के मत आना। चलो जी, कल्पा से निकलने की तैयारी हो गई है। योगी, अब जा रहे हैं हम कहाँ पे? नाको होते हैं। पहले नाको, उसके बाद गियू मोनेस्ट्री, फिर ताबो, फिर पेन वैली, फिर काजा। आज का पूरा प्लान सेट हो गया है, और ये सुमेश भाई ने हमें बताया, सारी जानकारी इन्होंने दी है, और इन्हीं के होम स्टे में रुके हुए थे हम, यलांग होम स्टे कल्पा। चलो जी, गाड़ी निकलती हुई सुबह, परसों रात को यहाँ पहुँचे थे तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा था। अब तो खैर पूरी रोशनी है, सही दिखाई दे रहा है। इधर इधर काटो, इधर रविंदर, इधर अपनी तरफ, अपनी तरफ आ जाओ, आ जाएगी, आ जाएगी सीधा, आराम से आ जाएगी। ये आगे वाले पैच में देखिए, यहाँ थोड़ा टाइट है। दो नदियों का संगम हो रहा है, एक का नाम है स्पीति रिवर, दूसरी का पता नहीं, और यहाँ से बनती है सतलुज। देखिए ये है जी लेक नाको विलेज में, और हमारे बुलंदशहर वाले भैया कह रहे हैं कि ये तो जो झोड़ होती है ना, जहाँ पे भैंस वैंस नहाती गाँवों में, ऐसी कुछ है ये तो। और वाक्य में इतनी है, हरियाणा यूपी के हर गांव में मिल जाएगी आपको ऐसी झोड़। बट हाँ, खासियत ये है कि बहुत हाइट पे है, और बरसातों में पानी फुल हो जाता होगा, बोटिंग भी होती होगी। फिलहाल तो बंद है ये बोटिंग, अभी नहीं है ना, बरसातों में तो हो जाती होगी। और कोई आपके शुद्ध विचार जो जोड़ से निकल के बाहर आ जाओ तो? बट यार बहुत ज़्यादा ठंड है, और मतलब सूखी ठंड पड़ रही है, बहुत हाइट पे है, टूरिस्ट तो बहुत है इस टाइम। ये देखिए कुछ होम स्टेज बने हुए इधर ही, कुछ होटल हैं, लेक व्यू होटल है। नदी किनारे जाते हुए कच्चे रास्ते से
गाड़ी धोनी है, क्या करना है? मुंह धोना, देखते हैं क्या धोना है। ये वही ट्रक जाते हैं यहाँ से, मैंने गाड़ी आ रही लोकल, इसलिए कहेंगे ये क्या करने जा रहे हैं, इनका क्या करोगे नीचे? ये पायलट बैठ गए हैं और एक को पायलट पीछे है, देख लो इनकी हालत। को पायलट की लो जी, ऑफ रोडिंग के लिए आ गए हैं नीचे नदी किनारे। ये कच्चे रास्ते से उतर के आए हैं, ऊपर वो ऊपर हाइट पे दिख रही होगी आपको मेन रोड, और ये रही हमारी गाड़ी, और ये रहे हमारे भैया जी। क्या प्लान है मनोज? नाना है, बर्फीला पानी है बिल्कुल, और बहुत व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है इधर से, बिल्कुल लद्दाख वाली फीलिंग आ गई है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई लद्दाख वाली। यह है जी गियू मोनेस्ट्री, 500 साल पुरानी मम्मी है इधर, और कहते हैं इनके अभी भी जो है नेल्स और एयर बढ़ रहे हैं, अभी देखते हैं कैसी मिलेगी जाके। ये है जी मम्मी के बारे में पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। जी 842 का टाइम पकड़ गया अपने में, देखा इसमें भी 842, और ये जो इसकी ऐसी सुई वाली घड़ी है इसमें कितना आ रहा है? 6:15। तो लग रहा है चाइना का टाइम पकड़ लिया इसने, चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं बिल्कुल। एक ये छोटा सा कॉफी शॉप बना रखी है, इस पे भी लिखा है क्लोज टू चाइना बॉर्डर। पीने लायक पानी है बिल्कुल, क्योंकि आबादी तो है ही नहीं इधर, एक ही गांव है, उसमें भी चुनिंदा घर है।